नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज 18, देश का सबसे लोकप्रिय चैनल, और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के द्वारा आज मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के कल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा हमला किया है और कहा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों तक को फायदा पहुंचाने की अपनी रणनीति पर काम करते हुए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आज पूरा विश्व और WHO जब वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है, तो राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन करने के लिए भारत में वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन सफल ना हो। जालम सिंह पटेल ने कहा कि हालांकि राहुल गांधी के बयानों को लोग गंभीरता से नहीं देखते, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के चलते वो ऐसी बयानबाजी करते हैं ताकि विदेशी विरोधी मुल्क इसका फायदा उठा सके। वैक्सीन और वैक्सीनेशन जीवन देने वाला काम है और बिना वैक्सीन के कोई व्यक्ति कोरोना से मुकाबला नहीं कर सकता। ये WHO भी बोला और विश्व स्तर पर बोल रहा। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी की बातों का कोई ज़्यादा कोई विश्वास नहीं करता ना कोई महत्व देता, इसलिए जो वो अनर्गल बात कर रहे हैं। और वो विदेशी जो योजना है, चाहे चाइना की हो चाहे निर्देश पाकिस्तान की हो, उसकी वो उनके उसका सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना भी नहीं चाहता और भारत पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि इस देश में वैक्सीनेशन हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बातों का उसकी खंडन करता हूँ। संभाग ब्यूरो आशीष सावंत की रिपोर्ट।